हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को पेंटिंग्स के और नए नए टिप्स बताऊंगी, और ये है बनी ठनी राजस्थानी ट्रेडिशनल पेंटिंग। तो ये कैसे मैंने बनाया है, चलिए इससे रिलेटेड वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पेंटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वार्निश बहुत ज़रूरी है, तो ये मैं वार्निश स्प्रे कर रही हूँ। कैनवास रोल को मैंने हार्डबोर्ड पे पेस्ट कर लिया है, और उसके बाद ये मैं एक कार्बन पेपर को लगाकर उसके बाद मैं ड्राइंग शीट पे जो मैंने ड्राइंग बना रखी है उसको फिर से इस पे बनाऊंगी, ताकि हमारे कैनवास रोल पर ये ड्राइंग उभर कर आ जाए। फ्रेंड्स, बेसिकली मैं कैनवास पे ही पेंसिल ड्रॉ करती हूँ, लेकिन बिगनर्स के लिए ये टिप्स बहुत अच्छा है, क्योंकि कैनवास पे सीधे पेंसिल चलाने से वो ठीक से रिमूव नहीं होता है, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। जब भी आप कार्बन पेपर का यूज़ करें तो एक चीज़ का आपको केयर करना है कि मास्किंग टेप से उसके सराउंडिंग को अच्छे से पैक कर दें, अदरवाइज़ आपका जो पिक्चर है थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। मैंने ये ग्रे कलर बनाया है, इस ग्रे कलर को मैं इसे ये जो बैकग्राउंड है मैं करूँगी ग्रे कलर से। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड करने के लिए मैंने वाइट कलर में ब्लैक कलर और थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड किया है, तो ये कलर बनकर आया है। आप मेरे कलर मिक्सिंग का तरीका देखिए, मैं आपको दिखाते हुए पेंटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने वाइट कलर में येलो कलर और थोड़ा सा रेड कलर लिया है फेस को कलर करने के लिए। मैंने कई वीडियोस में बताया है आपको कि आँखों को बहुत ही अच्छे से कलर करना चाहिए। आँखें किसी भी पोर्ट्रेट या पेंटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं, तो मैं यहाँ आँखों पे बहुत ध्यान दे रही हूँ। और आप देखिए, जैसे जैसे मैंने बनाया है बस वैसे ही बनाना है, एकदम ओरिजिनल आइज़ उभर कर आएंगे। एक बात को आपको नोटिस करना है कि मैं यहाँ पे सिर्फ ब्लैक कलर से आइज़ को नहीं बना रही हूँ, मैंने ब्राउन कलर भी यूज़ किया है। और मैं फिर से बता दूँ कि मैं जैसे जो जो कलर यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ, वही कलर अप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल कलर आ जाएगा।
फेस को उभारने के लिए हम ब्राउन कलर ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। इससे आपके फेस के हर एक पार्ट को उभर कर आएगा। और ये लिप्स मैं पिंक कलर से बना रही हूँ। फ्रेंड्स, ये राजस्थानी बनी ठनी पेंटिंग है, बहुत ही ट्रेडिशनल पेंटिंग है और बहुत ही यूनिक पेंटिंग है। देखिए, ब्राइड बहुत ब्यूटीफुल बनने वाली है। अच्छा, एक और टिप्स मैं देना चाहूँगी कि अगर आपका पेंटिंग ख़राब हो जाता है तो आप सबसे पहले वाइट कलर अप्लाई कीजिए, उस कलर को सूखने दीजिए, फिर जैसे आपको बनाना है वो पेंटिंग आप बना सकते हैं। ब्लाउज़ को बनाने के लिए मैंने मरून कलर बनाया है। पिंक कलर में आप थोड़ा सा ब्लू कलर मिक्स करेंगे तो अच्छा सा मरून कलर बन जाएगा। ये पिंक कलर है, देख लीजिए इसका नंबर, क्योंकि रेड और पिंक में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, तो आप जब भी पिंक कलर लें तो ये नंबर देख के लें। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैं साड़ी बना रही हूँ, इसके लिए मैंने पर्पल कलर यूज़ किया है। मैंने पिंक कलर में ब्लू कलर और थोड़ा सा वाइट कलर बनाया है और ये साड़ी मैंने बना दिया है। फ्रेंड्स, आपको साड़ी को पतला बनाना है तो उसके लिए आपको अच्छे से पानी का यूज़ करना है इसमें। अब देखिए, जैसे साड़ी का खिंचाव हो रहा है, हाइलाइटिंग के लिए मैं डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ और जब नीचे करना है तो उसको वाइट कलर से मैं हाईलाइट कर रही हूँ, तो ऐसा लगेगा कि साड़ी हाथों से खींची हुई है।
पिक्चर तैयार करने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना दुल्हन का मेकअप करने में टाइम लगेगा। इसके एम्ब्रॉयडरी, साड़ी की एम्ब्रॉयडरी देखिए कैसे मैं कर रही हूँ। अब ये नया टिप्स है, मैंने पर्पल कलर में ज़्यादा वाइट कलर मिला दिया है और ये मैं ब्लेंडिंग स्टम्प मेरे पास था उसके हेल्प से मैं ये डॉट्स बना रही हूँ। इससे एक बराबर और पैरेलल डॉट्स बनेंगे। हम आपको इस पेंटिंग में डॉट्स बनाने के तीन तरीके बताएंगे। ये पहला तरीका आप देख लीजिए, फिर मैं दो और तरीका बता। ब्राइड के जितने भी ज्वेलरी हैं सब मोतियों के बने हुए हैं, तो मोतियों को बनाने के लिए डॉट्स ऐसे दिया जाएगा। बड़ा और छोटा डॉट्स दोनों हम आपको करके दिखाएंगे यहाँ पे। इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग की खासियत है को भर भर के ज्वेलरी पहनाई जाती है। तो ये देखिए अब मैं बड़े डॉट्स बना रही हूँ। अभी तक मैं ये ब्लेंडिंग स्टम्प से ही बना रही हूँ। ये दुल्हन का जो साड़ी है उसकी एम्ब्रॉयडरी मैं येलो कलर से कर रही हूँ और ये डिज़ाइंस बहुत सुंदर लगेंगे इस पर। इसके आगे मैं आपको कॉटन बट और मैच स्टिक से के हेल्प से कैसे डॉट्स बनाए जाते हैं वो भी आपको मैं बताऊँगी। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये बड़े डॉट्स बनाने के लिए आप कॉटन बड यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इससे भी सेम बनेंगे डिज़ाइन। अब ये देखिए मैं मैच स्टिक ली हूँ। मैच स्टिक का से छोटे छोटे जो डिज़ाइंस हैं, क्योंकि ये पतला होता है तो आप छोटे डिज़ाइंस के लिए मैच स्टिक यूज़ कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट अपडेट आपको देते रहें। और मेरा टिप्स बताने का तरीका आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। और नियर अबाउट मेरी पेंटिंग तैयार हो रही है, अभी बैंगल्स बनाने हैं।